सिद्धार्थ पहली बार महसूस कर रहा था कि वो सच में अपने प्रोफेशन से भाग रहा है। उसकी आवाज बहुत रुआसा थी, जैसे वो किसी भी पल रो सकती थी। सिद्धार्थ पहली बार महसूस कर रहा था कि वो सच में अपने प्रोफेशन से भाग रहा है। उसने अपने घुटनों के बल बैठकर रावी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है मैं चल रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओम ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ, मिस्टर राजवंश ठीक रहेंगे। सिद्धार्थ ने खड़े होकर ओम से हाथ मिलाया और कहा, मैं आप पर भरोसा कैसे नहीं करूं? आप तो वो इंसान हैं जिसे बेस्ट डॉक्टर इन ऑल कहा जाता है। बहुत कम उम्र में ही आप फेमस हो गए और अचानक ही गायब ही हो गए थे, पर आप यहाँ कैसे? ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, लंबी कहानी है, किसी और दिन आपको सुनाऊंगा, पर आप लोगों को अभी निकलना होगा। वो लोग जितनी देर बातें कर रहे थे, बाहर गोलियों की आवाज़ उतनी तेज होती जा रही थी। वीरा ने रावी का हाथ पकड़ा और आगे जाते हुए कहा, पीछे के दरवाजे के बाहर हमारी कार है और मम्मा को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी आ गई है। थोड़ी दूरी पर हमारा प्राइवेट प्लेन है जिसमें हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटी मौजूद है, आपको परेशानी नहीं होगी, चलिए। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई और उसके पीछे सुल्तान, अहाना, सिद्धार्थ भी जा रहे थे। अहाना ने देखा कि प्रमोद और लीला हैरानी से रावी वीरा की पीठ को देख रहे थे। उसने कहा, आप लोगों को भी चलना चाहिए, आखिर वो आपकी बेटी है। दोनों होश में आए और अहाना के साथ चले गए। हॉस्पिटल के बाहर काफी सारे ग्रुप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और लाशों के ढेर वहां बिछे हुए थे। करण, शिव, राका अपनी अपनी टीम के साथ उनसे फाइट कर रहे थे। पीछे की ओर से जब वीरा और बाकी सब निकलने लगे तो एक बड़ी सी काली परछाई गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। काल, जिसके चेहरे पर खून लगा था और उसका एक पैर जख्मी हो गया था, वीरा को देख रहा था। वीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हम वापस आएंगे। काल दरवाजे के पास ही बैठ गया और घूर कर उसे देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि वह उनके साथ ही जाएगा। वीरा ने आह भरी। वो काल को मना नहीं कर सकी क्योंकि उसने उनकी लड़ाई में बहुत मदद की थी और कई सारे खतरों से उन्हें बचाया भी था। वीरा ने कहा, ठीक है अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चलो, पर तुम्हारे मालिक वायु यही है, क्या तुम्हें उनके साथ नहीं रहना? ये सुनते ही कि वायु उन लोगों के साथ नहीं जा रहा है, काल के चेहरे पर थोड़ी परेशानी के भाव आ गए, पर उसने फिर भी उन लोगों के साथ जाने का ही फैसला किया क्योंकि वो अपने मालिक को जानता था कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकते थे, पर उसके सामने दो छोटी बच्चियां थीं जिन्हें वो अपनी मालिक की अमानत समझकर संभाल रहा था। जयपुर, कई घंटों के सफर के बाद रावी और वीरा अपनी मम्मी को जयपुर लेकर आ गए। इस समय वो लोग राजन शाही के महल में थे। डहरिया को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था जहां पर वीरा ने पहले ही मेडिकल फैसिलिटीज का इंतजाम करवा दिया था। रावी अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर बैठी थी और उनके आसपास लगी कई सारी मशीनों को देख रही थी। अहाना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वो ठीक हो जाएगी, तुम कल से जाग रही हो, थोड़ा आराम कर लो, इस तरह तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। रावी ने अपना पीला पड़ चुका चेहरा ऊपर उठाया और अहाना को देखकर कहा, नहीं, जब तक मम्मा होश में नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अहाना ने लंबी आह भरी। वो लोग जब से वहाँ पहुँचे थे, रावी एक मिनट के लिए भी धैर्य से दूर नहीं हुई थी। अहाना कमरे से बाहर आकर वहाँ थोड़ी दूरी पर बने एक और कमरे में चली गई जहाँ पर राजन शाही, सुल्तान, सिद्धार्थ, शिव और कुछ और लोग बैठे हुए थे और आगे क्या करना है उसके बारे में प्लानिंग कर रहे थे। अहाना ने वहाँ के सीरियस माहौल को देखकर खुद को दिलासा दिया और वीरा से कहा, तुम्हें रावी को समझाना चाहिए, वो बिल्कुल आराम नहीं कर रही है, इस तरह उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहते हुए उसकी नज़र सामने बैठी वीरा पर थी। छोटी सी बच्ची की आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे हो गए थे और वो एक ही दिन में कमज़ोर दिखने लगी थी। अहाना को दोनों के लिए ही बहुत बुरा लग रहा था। जिस तरह से वो जिंदगी के लिए लड़ रहे थे, ये किसी के लिए भी आसान नहीं था। वीरा ने अहाना की बात सुनी और अपना हाथ ऊपर करके सबको चुप होने का इशारा किया। सारे लोग जो डिस्कशंस कर रहे थे वीरा का इशारा देखकर चुप हो गए। वो उठकर खड़ी हुई और उसने बाहर जाते हुए कहा, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये कहते हुए वो अपने छोटे छोटे पैरों से उस कमरे से बाहर चली गई। सिद्धार्थ ने अहाना की तरफ देखा। अहाना की भी अनजाने में सिद्धार्थ पर नजर पड़ी और दोनों की नजरों के मिलते ही दोनों की नजरों में अजीब से जज्बात दिखने लगे जिसे वे दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। अहाना ने जल्दी से सिद्धार्थ से नजरें हटाई और वीरा के पीछे चली गई। राजन शाही बंद दरवाजे को देख रहे थे, उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने सुल्तान से कहा, क्या उन्हें कुछ और भी पता चला है? कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चला कि ये दोनों आरवी हैं? सुल्तान ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता तो नहीं है, उन्हें सिर्फ यही पता चला है कि वो दोनों वायु राजवंश की बेटियां हैं। राजन शाही ने अपना हाथ टेबल पर पटका और कहा, ये निर्मला, इसे क्या लगता है ये उस बच्ची से उनकी बेटियों को दूर कर सकती है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सुल्तान ने कहा, पर आप जानते हैं ना सर, निर्मला देवी कैसी इंसान है, अगर उन्हें पता चला कि वो लोग यहाँ हैं तो वो यहाँ भी जरूर आएगी। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने हॉस्पिटल पर हमला कराया था, यहाँ तक कि उन्होंने इस बात की परवाह भी नहीं की कि उनका पोता भी हॉस्पिटल में है। उन्होंने वहाँ पर बम ब्लास्ट करवाए, अगर हम लोग सही समय पर नहीं निकलते तो शायद हम में से कोई जिंदा नहीं लौटता। इस बात को सुनते ही सिद्धार्थ को वायु की याद आ गई। उसने अपना सिर ऊपर करके सुल्तान को देखकर कहा, क्या तुमने पता किया कि वो लोग वायु को वहाँ से ले गए कि नहीं? सुल्तान ने कहा, हाँ, सब खत्म होने के बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो मिस्टर वायु उन्हें मिल गए थे, वो उन्हें अपने साथ ले गए, ओम भी उन्हीं के साथ गया है, आप चिंता मत करिए। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली, उसे वहाँ पहुँचने के बाद से ही वायु की बहुत चिंता हो रही थी। हैरिया के कमरे में वीरा घूर कर रावी को देख रही थी। उसने अपनी सख्त आवाज में कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम भी बीमार पड़ जाओ और मैं तुम्हें और मम्मी दोनों को संभालती रहूं, या फिर तुम्हारे साथ मैं भी उसी हालत में पहुंच जाऊं? अपनी बहन की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर रावी ने अपना सर उठाकर उसे देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वीरा ने तेज आवाज़ में कहा, अभी के अभी दूसरे कमरे में जाओ और सुबह तक बाहर नहीं आना। ये कहकर उसने रावी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर उस कमरे से बाहर ले गई। उसने उसे उसी के बगल वाले दूसरे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट उठाकर कहा, सो जाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी।
ये कहते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी दबी हुई थी। रावी ने जोर से वीरा का हाथ पकड़ा और कहा, दी मम्मी ठीक हो जाएगी ना? वीरा ने उसके सिर को थपथपाते हुए कहा, तुम आराम करो, वो जरूर ठीक हो जाएगी। हम हैं ना उनके साथ, और ये मत सोचो कि कोई हम दोनों को उनसे दूर कर सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारी बहन ऐसा नहीं होने देगी। ये कहते हुए वो धीरे धीरे रावी का सिर सहला रही थी। अहाना जब उनके कमरे में पहुंची तो उसने देखा रावी कसकर वीरा का हाथ पकड़कर सो रही थी और वीरा बेड साइड से अपना सिर टिकाकर सो रही थी। दोनों के ही चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उनके शरीर की खरोच उनके टॉप और शॉर्ट्स पे दिख रही थी। उसने धीमे में कदमों से उनके पास पहुंचकर वीरा को अच्छे से बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर कमरे की लाइट साफ करके वो वहां से चली गई। राजवंश हवेली। कई सारे डॉक्टर्स वायु के कमरे में थे और उन सबसे आगे ओम था। कोई भी डॉक्टर ओम के पास नहीं जा रहा था क्योंकि सब उसे पहचानते थे। इसीलिए निर्मला देवी ने भी उसे वायु का इलाज करने से नहीं रोका था। हॉल में निर्मला देवी, कृपा जी, वैभव जी, समृद्धि जी, धीरज जी के साथ पूरा प्रजापति खानदान मौजूद था, जो अभी की सिचुएशन के बारे में पूरी तरह नहीं जानते थे। सुबह 9 बजे रावी और वीरा अहाना के उठने से जाग गए। दोनों ने एक साथ कहा, मामा कैसी है? अहाना ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, उसे होश आ गया है, तुम दोनों फ्रेश होकर आ जाओ। ये सुनते ही दोनों के मुरझाए हुए चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और वो दोनों बाथरूम की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद धैर्या के कमरे में डॉक्टर्स की टीम साइड में खड़ी थी और सिद्धार्थ धैर्या के हार्ट सिस्टम्स को चेक कर रहा था। उसने धैर्या की रीसेंट रिपोर्ट्स चेक करते हुए कहा, ठीक है, पर इसे रिकवर होने में बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि फाइट करने के कारण इसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई थी और इसे कई जगह चोटें आई थी। इंटरनल ब्लीडिंग होने से इसके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ये कहते हुए उसने फाइल रखी और धैर्या को इंजेक्शन लगा दिया। रावी और वीरा एक दूसरे का हाथ पकड़े दूर दरवाजे पर खड़े होकर बेड पर लेटी अपनी मम्मी को देख रहे थे, जिनका चेहरा पीला दिख रहा था। उन दोनों की पकड़ एक दूसरे के हाथ पर कसती जा रही थी। ना वीरा और ना ही रावी अपना एक कदम भी आगे बढ़ा पा रही थी। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी मम्मी को उस हालत में देख सके। नम आंखों से उस बेड की तरफ देखते हुए वीरा ने कहा, तुम्हें उनसे नहीं मिलना? रावी, जिसके गाल आंसुओं से भीग चुके थे, उसने अपनी भारी आवाज में कहा, आप ही तो नहीं चल रही। वीरा ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, चलो। रावी ने भी उसके चेहरे से आंसू को साफ करते हुए कहा, दी आप क्यों रो रही हैं? मम्मा ठीक हो जाएगी। वीरा मुस्कुराई और अपनी बहन को अपने साथ खींचते हुए अपनी माँ के बिस्तर की तरफ ले गई। धैर्या होश में जरूर आई थी, पर इस समय वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और सिर्फ अपने आसपास के लोगों को देख रही थी। उसका माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और बहुत स्लो वर्क कर रहा था, जिसके कारण उसे चीजों को समझने में परेशानी हो रही थी। सिद्धार्थ ने उसके माथे पर आ रही लकीरों को देखा और कहा, रिलैक्स, तुम्हारा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है इसलिए तुम्हारा माइंड अभी स्टेबल नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। ये कहते हुए वो साइड हो गया और अपने पीछे खड़ी दोनों बच्चियों को उनकी माँ के पास आने दिया। धैर्या ने रावी और वीरा को देखा और अपना एक हाथ ऊपर उठाकर उन्हें अपने पास बुलाने लगी। दोनों लड़कियां बिस्तर पर अपनी माँ के पास बैठ गई। उसके हाथ को पकड़कर उन दोनों ने कहा, आप कैसी हैं? क्या आपको दर्द हो रहा है? धैर्या ने रावी के आंसू भरे चेहरे को देखा और धीरे से नाम में सिर हिलाया। फिर उसकी नजर अपनी दूसरी बेटी पर गई, जो अपने आप को रोने से रोक रही थी, पर उसके कांपते हुए कंधे बता रहे थे कि उसके अंदर कितने आंसू भरे हैं। काफी कोशिश करने के बाद धैर्या ने कहा, आप रो लीजिए। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही वीरा की आंखों में रुके हुए आंसू बह गए और वो जोर जोर से रोने लगी। उसने धैर्या को सावधानी से गले लगाया और अपना सिर उसके लेफ्ट कंधे पर रखकर कहा, आप ठीक हो गई, आपको कुछ नहीं हुआ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। भले ही वो नहीं दिखा रही थी कि वो परेशान है या दुखी है, पर उसके अंदर कई सारे सवाल, तूफान और दर्द चल रहे थे। अपनी बहन और माँ को बिखरता और टूटता हुआ देख उनका नन्ना सा दिल टूट रहा था, जिसे वो संभाले हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इस समय कमज़ोर पड़ गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है, जो वो बिल्कुल नहीं होने देने वाली थी। पर थी तो वो बच्ची ही, आखिर कोई भी बच्ची अपनी माँ और पिता की मौत के मुँह में जाता हुआ देख कैसे शांत हो सकता है? इतने समय का दर्द वो अपने आंसुओं के जरिए बहा रही थी। वहाँ खड़े लोग वीरा को देख रहे थे, जिससे उन सबकी आँखें नम थी, क्योंकि उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को हमेशा एक स्ट्रांग इंसान के रूप में देखा था, जो कठिन से कठिन फैसले लेते समय नहीं घबराती थी, ना ही उसके अंदर की भावनाओं को कभी किसी ने देखा था। अपनी बेटी को इस तरह रोता देख धैर्या का दिल टूट गया और उसकी आंखों उसके कोनों से आंसू बह गए। रावी ने भी धैर्या को गले लगाया और कहा, मम्मा आप मत रोइए, आप बस ठीक हो जाइए। अब तक वीरा काफी हद तक शांत हो चुकी थी। उसने अपने आंखों से आंसू पोंछे और अपना चेहरा वापस सख्त करते हुए कहा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आप सिर्फ आराम करेंगी, और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है तो उसे आप तब जान सकती हैं जब डॉक्टर सिद्धार्थ आपको बात करने की और किसी भी बात को जानने की परमिशन देंगे। ये सुनते ही धैर्या का मुंह बन गया और उसने बिना कुछ कहे अपनी आंखों को बंद कर लिया। अपनी मम्मा की बच्चों वाली हरकत को देखकर वीरा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। राजवंश हवेली। निर्मला देवी गुस्से से अपने सामने खड़े अपने लोगों को घूर रही थी। उन्होंने हाथ में पकड़े कप को जमीन पर फेंका और कहा,
हमें समझ नहीं आ रहा कि आप सब क्या कर रहे हैं। क्या आप एक औरत और दो बच्चों को नहीं ढूंढ सकते? और ना आप ये पता कर पाए कि वहाँ पर ब्लैक बटरफ्लाई के लोग क्या कर रहे थे? यहाँ तक कि हमें अब तक इस बात की जानकारी भी नहीं मिली है कि वायु इतने जख्मी कैसे हुए। हेमंत अपना सिर झुकाकर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पिछले दो दिन से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वायु उस हालत में कैसे पहुंचा और उसे गोलियां कैसे लगी थी, पर वो कुछ भी पता नहीं कर पाया। जैसे किसी ने कोरे कागज की तरह सब कुछ मिटा दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, ऊपर के कमरे से सामान टूटने की आवाज़ आने लगी। निर्मला देवी ने अपने सिर को उठाकर सेकंड फ्लोर की तरफ देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, क्या वो फिर होश में आ गए? उसके ये कहते ही कुछ डॉक्टर्स और गार्ड्स नीचे दौड़ते हुए आए। एक गार्ड ने कहा, मैडम, सर को फिर से होश आ गया है। वो पूरे कमरे का सामान फेंक रहे हैं और वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जख्मों से खून भी बह रहा है। निर्मला देवी ने कहा, क्या आप लोगों ने उन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया? डॉक्टर ने परेशान होते हुए कहा, मैडम माफ़ कीजिएगा, पर अगर मिस्टर वायु को हैवी डोज का बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा तो ये उनकी हेल्थ पर असर करेगा, क्योंकि उनका इतना बड़ा ऑपरेशन अभी हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं। निर्मला देवी ने बिना किसी भाव के कहा, हमें नहीं जानना कि उन्हें क्या होगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो इस हवेली से बाहर नहीं जाने चाहिए। डॉक्टर और गार्ड्स हैरानी से निर्मला देवी को देख रहे थे और उनके इस जवाब को सुनकर उन्हें वायु के लिए बुरा लग रहा था। पीठ और पैर में गोली लगने के कारण अब वो कमज़ोर हो गया था और जल्दी चल नहीं सकता था। वो बेड पर ही रह रहा था, पर उस हालत में भी वो बार बार उठकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। निर्मला देवी ने उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए उसे कैद करके रखा था। राजवंश हवेली। शाम के समय निर्मला देवी गार्डन में बैठी हुई थी और आगे क्या करना है उस बारे में सोच रही थी। कृपा जी और वैभव जी गुस्से में उनके पास आए। वैभव जी ने कहा, माँ, आप करना क्या चाहती हैं? आप इस तरह वायु को कैसे कैद रख सकती हैं? अभी के अभी उसे छोड़िए, आप जानती हैं ना उसे कितनी इंजरी हुई है। निर्मला देवी ने कृपा जी और वैभव जी को काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर भेज दिया था और इस समय अपने बेटा और बहू को अपने सामने देखकर वो हैरान थी। उन्होंने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, क्या कहना चाहते हो कि हम उनके साथ गलत कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो सही है। इस समय काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे खिलाफ हो चुके हैं, और अगर हमने वायु को इसी तरह अपने गलत फैसलों पर बने रहने दिया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। कृपा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, क्या आपको उनके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगता? वो आपके पोते हैं और आपके कारण उनकी ज़िंदगी खतरे में है। उन्हें हवेली में मौजूद कुछ लोगों से पता चला था कि निर्मला देवी वायु के साथ क्या कर रही है और उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। निर्मला देवी ने बिना किसी भाव के कहा, हमें नहीं जानना कि वो कैसे हैं और उन्हें क्या हो रहा है। हमें वो पहले की तरह चाहिए, जिन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब था और किसी तरह के रिश्ते से नहीं। निर्मला देवी के लिए वायु सिर्फ उनका बिजनेस और खानदान संभालने के लिए खिलौने की तरह था, जिसे वो सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती थी। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वायु का रिश्ता किसी से जुड़ता है या नहीं, या उसके पास कोई ऐसा इंसान है या नहीं जिससे वो प्यार कर सके। वो लोग बात कर ही रहे थे कि कुछ गार्ड्स वहाँ दौड़ते हुए आए। उनमें से एक ने कहा, सर अपने कमरे में नहीं है। निर्मला देवी तुरंत खड़ी हुई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या मतलब वो वहाँ नहीं है? देखो वो कहाँ है, हमें वो अभी के अभी अपने सामने चाहिए। गार्ड्स तुरंत हवेली में फैलकर वायु को ढूंढने लगे, पर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता चल पाया कि वायु कमरे से कैसे गायब हो गया। निर्मला देवी इस समय वायु के कमरे में खड़ी थी और वहाँ पूरी जगह टूटे और फैले हुए सामान को देख रही थी। उनका चेहरा बहुत ज़्यादा कोल्ड था और उनके हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी। पीछे खड़े वैभव जी और कृपा जी के चेहरे पर शांत भाव थे। उन्हें इस बात का सुकून था कि उनका बेटा निर्मला देवी की कैद से निकल गया है। पुरानी बिल्डिंग। वायु खिड़की के बाहर रात के चांद को देख रहा था। वो एक स्टिक के सहारे खड़ा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके पीछे करण खड़ा था। वायु ने बिना पीछे मुड़े कहा, वो कैसी है और वो कहाँ है? ये शब्द कहते हुए उसका गला थोड़ा सा रूंधा हुआ था, जैसे वो अपने अंदर के आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा हो। होश में आने के बाद से उसके दिमाग में सिर्फ धैर्य के ही ख्याल चल रहे थे और उन दो बच्चियों के भी, जिन्होंने उसे बचाया था। वो ये ज़रूर जान गया था कि वो दोनों उसी की बेटियां हैं, पर वो इस बात का पता बिल्कुल नहीं लगा पा रहा था कि आखिर वो कैसे राजवंश हवेली पहुंचा और सिद्धार्थ के हॉस्पिटल में कोई क्यों नहीं था। अगर करण उसके कमरे के सीक्रेट दरवाजे से उसे बचाकर नहीं निकालता तो उसे नहीं पता था कि वो कब तक जिंदा रहता। उसे धैर्य की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि आखिरी बार उसने उसे जिस हालत में देखा था वो उसी याद करके परेशान हो रहा था। करण ने कहा, जयपुर। भले ही रावी और वीरा उसे वार्निंग देकर गई थी कि वो इस बारे में वायु को बिल्कुल नहीं बता सकता कि वो लोग कहाँ गए हैं, पर उससे वायु की हालत नहीं देखी जा रही थी। यह सुनने के बाद कि धैर्या और उसकी दोनों बेटियां जयपुर में हैं, वायु ने मुड़कर करण को देखा और आंखें छोटी करके कहा, वो वहाँ क्या कर रही है और वो किसके पास है? करण ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब वो जो बातें वायु को बताने वाला था वो उसको खुद की जान लेने के लिए मजबूर करने वाली थी, क्योंकि ये जाने के बाद कि वो पहले से ही सब कुछ जानता था, वायु उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। करण ने वायु को रावी और वीरा से मिलने, उनके आरवी होने, धैर्या की बीमारी से लेकर ब्लैक बटरफ्लाई गैंग और सेवन वेपन के साथ मिलकर उन्हें बचाने तक सब कुछ बता दिया। वायु करण की बातों के खत्म होने तक चुपचाप बैठा था। जैसे ही करण ने बोलना बंद किया, एक धारदार चाकू उसे अपने पास से गुजरता हुआ महसूस हुआ, तो सीधा उसके कंधे से टकराया और वहां से खून बहने लगा। उसने अपनी बाजू को पकड़ा और अपना सिर उठाकर वायु के भयानक चेहरे को देखा, जो किसी नर्क के राजा की तरह लग रहा था।
वायु ने अपने हाथों की मुठिया बनाई और कहा, ये बात तुम जानते थे सिद्धार्थ, तेजस और वो केविन तक जानता था, पर मैं नहीं। कि धैर्या वही लड़की है जिसने मेरे बच्चे को जन्म दिया था, और ना ही ये कि उसे दिल की बीमारी थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी बेटियाँ ही आरवी हैं। ये सब जानने के बाद भी तुम चुप कैसे रह सकते हो? वायु को ऐसा लग रहा था कि वो अभी करण की जान ले ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि करण ने उसे बताया था कि उसकी बेटियों ने उसे ये बात छुपाने को कहा था, और वो अपनी बेटियों की बात नहीं काटना चाहता था। लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, तैयारी करो, हम जयपुर जाएंगे। जयपुर, शाही हवेली। रावी और वीरा धैर्या के कमरे में बैठे थे और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। धैर्या इस समय ऑयली फूड नहीं खा सकती थी, इसीलिए वो दोनों उसे दलिया खिला रहे थे, जिसे धैर्या मुंह बनाकर देख रही थी। रावी ने चम्मच को उसकी तरफ किया और कहा, चलिए खा लीजिए, अगर आप इस तरह गंदा सा चेहरा बनाकर उसे देखेगी तो उसका टेस्ट और ख़राब हो जाएगा। धैर्या ने छोटा सा मुंह बनाकर अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, हमें नहीं खाना, इसको इसका टेस्ट गंदा होगा, जब ये देखने में ही इतना बुरा है। वीरा ने घूर कर अपनी माँ को देखा और कहा, एक बार और कहिए कि आप ये नहीं खाने वाली हैं। उसकी उस गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर धैर्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उस दलिया को खाने लगी। धैर्या को खाना खिलाने के बाद वीरा ने रावी को उसके पास छोड़ा और खुद कमरे से बाहर चली गई। वह वहाँ से कुछ कमरे छोड़कर एक कमरे में गई जहाँ पर सुल्तान और शिव थे। वीरा को देखते ही दोनों उठकर खड़े हो गए। वीरा ने वहाँ रखी बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर कहा, बोलो। शिव ने कहा, हॉस्पिटल से निकालने के बाद जब से मिस्टर वायु होश में आए थे वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें अभी खबर मिली है कि इस समय वो वहाँ से गायब है। वीरा ने कहा, ओम का क्या हुआ? शिव ने कहा, जैसे ही मिस्टर वायु को होश आया था और वो थोड़ी ठीक होने लगे थे, निर्मला देवी ने उसे वहाँ से निकाल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई ये जाने कि उनके घर में क्या हो रहा है। वीरा ने सिर हिलाया और अपनी नज़रों को नीचे करके कहा, तुमने पता किया क्या वो ठीक थे? वो नहीं जानती थी कि क्यों, पर उसे वायु की बहुत चिंता हो रही थी, और ये जानने के बाद निर्मला देवी ने उसे कैद करके रखा था, उसका दिल अपने पिता के लिए अचानक से तेज़ी से धड़कने लगा था। जिस भावना को वो महसूस कर रही थी वह उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। जिस इंसान से उसने इतने सालों तक नफरत की थी, अचानक ही वो उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखने लगा था। सुल्तान ने कहा, हम ये नहीं बता कर पाए कि वो कहाँ गए हैं, पर हाँ ये ज़रूर पता चला है कि निर्मला देवी उन्हें एक इंजेक्शन दे रही थी जिससे उनकी तबीयत और ख़राब हो गई थी, और वो उनके ज़ख्मों में इन्फेक्शन कर रहा था। ये जानने के बाद कि निर्मला देवी ने उसके पिता के साथ क्या किया था, वीरा की आंखों में गुस्सा दिखने लगा। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और कहा, बहुत हो चुका, निर्मला देवी ने अपनी हद पार कर दी है, मुझे उन्हें यह बताना होगा कि आरवी क्या है और उनके अपनों को नुकसान पहुंचाने से क्या होता है। वीरा ने अनजाने में वायु को अपनी फैमिली कहकर बुला दिया था, जिसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। सुल्तान ने झिझकते हुए कहा, मैम मुझे लगता है कि मिस्टर वायु यहाँ आएंगे। ये सुनते ही एक हल्की सी चमक वीरा की आंखों से होकर गुजरी। वो उठकर खड़ी हुई और उसने बाहर जाते हुए कहा, आने दो, पर याद रहे उन्हें महल के अंदर बिल्कुल आने ना दिया जाए। जयपुर, शाही महल। धैर्या अपने पास सो रही अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेर रही थी और बड़ी सी खिड़की के बाहर चांद को देख रही थी। उसने मन में कहा, वायु आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है, हमारी किस्मत कितनी ख़राब है, इतनी मुश्किल से हम मिले और हमने आपको हमारी बेटियों के बारे में बताया, पर उनसे मिलने से पहले ही हम अलग हो गए, और हम इस हालत में भी नहीं है कि यह जान सकें कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ सब कुछ बहुत उलझा हुआ है, ऐसा लगता है कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है, आप जल्दी हमारे पास आ जाइए वायु। ये सोचते हुए आंसू का एक कतरा उसकी आंखों से बह गया। देहरादून। राजवंश हवेली में माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था, कोई भी इंसान वहाँ सोया नहीं था और वायु को ढूंढने की कोशिश में लगा था। निर्मला देवी अपनी लाल आंखों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उन्होंने हेमंत को देखा और कहा, हम चाहते हैं आप अभी के अभी खुद को मार डालें, आपके जिंदा रहने का क्या फ़ायदा जब आप ना हमारे घर के वारिस को ढूंढ पा रहे हैं और ना हमारे पोते को। वैभव जी ने अपना हाथ टेबल पर मारा और कहा, बस कीजिए माँ, बस कर दीजिए, खानदान को बढ़ाने का और सब कुछ हाथ में रखने का लालच आपको किस जगह ले जा रहा है? आप भी नहीं जानती इस उम्र तक पहुँचने के बाद भी आप इस तरह की हरकत कर रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपको क्या कहें। निर्मला देवी ने अपनी बेटे की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी आंखों पर इस समय सिर्फ और सिर्फ सबसे आगे बढ़ने की पट्टी बंधी हुई थी। और मन साइड में ही बैठे हुए थे, जैसे इन सारी चीज़ों से उनका कोई मतलब ही ना हो। कौन कह सकता था कि वायु के इतना जख्मी होने के और उसे मौत के मुंह तक पहुंचाने में उन दोनों बाप बेटे का ही हाथ था।